कई लोग वृंदावन में दर्शन करने जाते तो माथे पे जूं थप्पा लगवाएंगे, राधे राधे जूं लगवाएंगे, पर एक सेल्फी लेंगे और तुरंत उसे क्लिक करेंगे जिससे मालूम पड़े कि हम वृंदावन में दर्शन कर रहे हैं, राधे राधे ठुका हुआ है। वो माथे पर राधे राधे ठुकवाने से कुछ नहीं होगा, जब तक आत्मा पर राधे राधे नहीं ठोकोगे तब तक माथे पर ठुकवाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। जाएंगे तो पीला कुर्ता पहनेंगे साफ, पीला सा झंडा खाटू श्याम पर जाके चढ़ाएंगे। मेनपुरी में तो बहुत खाटू श्याम के पुजारी बन गए हैं और कभी कभी जो खाटू श्याम के पुजारी के बैनर पे हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य आयोजक के नाम जिसका लिखा वो अंडा की आमलेट खाते हमें पुल पे पकड़े देखे। ऐसे भी खाटू श्याम के भक्त मेनपुरी में पैदा हो रहे हैं साहब। इसी मेनपुरी की बात है, ये लाइव चल रहा है, पूरा भारत सुन रहा होगा इससे और सुनने वाले भी इस बात को चौंक रहे होंगे कि महाराज जी पुल खुल रहे हैं। अगर आप पर्दा में रह के भक्ति करोगे और भगवान की हंसी बनाओगे तो ये तो लाइव चल रहा है, मैं खुले मन से बोलने वाला व्यक्ति हूं, मुझे डर तो लगता ही नहीं किसी का। क्या जरूरत है खाटू श्याम नहीं कहते तुम्हारे ऊपर झंडा चढ़ाओ, तुम वहां झंडा चढ़ाने जाते हो लौट के आके तुम आमलेट खाते हो, पौआ पीते हो और पीले वस्त्र पहन के खाटू श्याम के बुक कराते हो, मकान के पीछे तुम्हारे ऐसी ऐसी जगह बनी हुई जहां तुम मांस पकाते हो। एक एक काम लिखा जा रहा है, सब कुछ लेखा जोखा हो रहा है। पिछले जन्म के पाप तो हैं तुम्हारे इकट्ठे और जो तुम इस जन्म में पाप इकट्ठे कर रहे दोनों आपस में विस्फोट होगा, एक मिनट में सब खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, ना धन ना गाड़ी ना वैभव ना पैसा ना जो तुम्हारी औलाद, कोई काम नहीं आएगी, दोनों का जब विस्फोट होगा खत्म हो जाएगा। पिछले जन्म के पापों को दूर करने के लिए इस जन्म में अगर हम खाटू श्याम वृंदावन अयोध्या से लेके मथुरा से लेके काशी से लेके प्रेम प्राधाम से लेके कई धाम पे जाते, इस जीवन को तो कम से कम बदल लेते, इस जीवन को तो सुधार लेते। अभी उस दिन हम अबागढ़ से कार्यक्रम करके लौट रहे थे, शहर से निकल रहे तो वहां पर एक प्लेट लगी, उस पर लिखी जय माता दी मीठ भंडार, जय माता दी मीठ भंडार। लिखने वाले पर भी पाप है और दिखाने वाले पर भी पाप है कि तूने लिखवाया तो लिखवाया क्या, क्या लिखवाया। इसलिए भगवान अपने दरबार में नहीं बुलाते हैं, तुम कितने भी झंडे चढ़ाओ कितना भी कुछ भी करो। मैंने भी कहा नहीं कि जब तक मन की तरंग नहीं मारोगे तब तक भजन होने वाला नहीं और आदत नहीं संवारोगे तब तक भजन होने वाला। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की की 5 मिनट की एंट्री थी साहब, 3.5 लाख रुपए में आई थी वो लड़की 5 मिनट बोलने के लिए मंच पर खाटू श्याम के कीर्तन के लिए। उस लड़की के आपने भी देखा होगा, उसने हनुमान चालीसा नहीं बोल पाया, उसने ये वीडियो आपने भी देखा होगा, उसने हनुमान चालीसा नहीं बोल पाया और आई कितने 3.5 लाख में साहब। भगवान के नाम के लिए तुमने एक खिलौना बना रखा, भगवान के नाम को खरीदने लगे हो पैसे से। वो भी मुझसे कोई पूछता है महाराज जी कथा करने का कितना पैसा लेते हैं तो तुरंत उठा देता हूँ बागिया से। कोई कहता सत्संग करने का कितना रुपया लोगे, तो हमें खरीदने आया हमारे ज्ञान को खरीद लेगा, हमारा ज्ञान है वो अमूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं विदेशों में भी कार्यक्रम करने जाऊंगा लेकिन कभी भी किसी से पैसा नहीं ले सकता, मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है। जो जजमान कार्यक्रम करा रहे उनसे भी पूछ लेना साहब कि महाराज जी ने ज्यादा नहीं 10,000 तो ले लिए होंगे, 10 लाख तो छोड़ो 10 लाख तो 10,000 तो लिए ही होंगे, पूछ लेना उनसे भी। आज तक कोई भी हमसे आके कह दे तुम भी पूछ लेना, मीडिया भी इस बारे में ढूंढ ले और एक व्यक्ति को ढूंढ लाए कि महाराज जी ने कार्यक्रम करने के 5,000 भी रुपए लिए थे। ये एस्टीमेंट जो बजाते हैं टीम वाले, ये दान पात्र रखा जाता है, इस दान पात्र में जो भी दान इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके दे दिया जाता है, भैया तुम्हारा परिवार चले, सबका परिवार चले, सबका कल्याण होना चाहिए क्योंकि ये लोग भी बिकाऊ नहीं है, ये अजयदास महाराज जी के संग टिकाऊ आए हैं, ये बिकाऊ नहीं आए, ये बिकने वाले नहीं ये टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं लेके चलते हम साथ में, जो बिक जाए टिके वो है। पैसा काम नहीं करेगा अंत समय पर जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, फिर क्या काम आएगा, वो भगवान का एक एक नाम याद आएगा, एक एक स्मरण याद आएगा, लास्ट में वो धन दिखाई देता है कि हमारे पास कितना धन है कितना पैसा है, वो लास्ट में दिखाई देता है। तो पूज्य पिता से पिछली वर्ष 2 अगस्त को ब्रह्मलीन हुए, पिताजी ने हम 5 भाइयों को सांसारिक रूप से जन्म दिया लेकिन जिस समय पिताजी की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तो वहां
पता नहीं कितने हजार की संख्या में भक्त आए और वो ये नहीं कह रहे थे गुरुजी के पिताजी हाय पिताजी हाय पिताजी, और पिताजी के पुत्रों ने कंधा नहीं दिया जब तक पिताजी की यात्रा यहाँ से घूम के निकाल कर आश्रम के पीछे से आए तब तक मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लोगों ने कंधा बदल दिया। ये लास्ट में ये मिलता है, अंत समय ये मिलता है कि ये कमाया था पिताश्री ने, वो संत होने के नाते वो ये छोड़ के गए थे, उन्होंने ये कमाया था, उन्होंने ये कमाया था। हमें ये जरूर कमाना चाहिए, जरूर कमाना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए जिन्होंने जीवन में आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को ठगा नहीं, हाथ उठाना, ठगा नहीं, किसी भी व्यक्ति को ठगा ना हो, हाथ उठाई मैया और भैया। देखो ठगना पाप है, लेकिन ठगे जाना पाप, ठगना पाप है। अगर आपने ठग लिया किसी को तो आप पे पाप चढ़ गया, और आपको कोई ठग लग गया आप पे पाप नहीं चढ़ा, ठगना पाप है लेकिन ठगे जाना पाप नहीं। कोई भी ठग ले जाए, हमें भी ठग ले जाते लोग, ठग ले जाओ। कोई कहता महाराज जी हम आपके साथ बने रहेंगे, हमें 2000 की जरूरत है दे दो, हम लो ले जाओ। हेलो महाराज जी अब हम नहीं आ पाएंगे, हम कहते कोई बात, कभी कभी फोन ही नहीं लगता, ले गया तो ले गया। एक तो हमारी गाड़ी ठग ले गया साहब, स्कॉर्पियो वो लौट के नहीं आया, पहली गाड़ी निकाली वो आश्रम से लेके गए, उन्होंने कहा हम धुमरी घूम आए और धुमरी से लौट के नहीं आए, सीधे दिल्ली लेके चले गए। उसमें गलती हमारी थी कि हमने उनके नाम करा रखी थी, बस वो लेके ही चले गए, ठग ले गए। उसके बाद जाके गाड़ी दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ, लड़के की टांग टूट गई, आज भी लड़के की मशीन लगी हुई है, वो टांग सही नहीं हो रही। और वो एक मेरी पहली गाड़ी थी, आज भगवान की कृपा से हमारे पास 9 गाड़ियां हैं और उनके पास एक भी गाड़ी नहीं बची, कहाँ चलेंगी सारी गाड़ियां। वो ठगना पाप है, ठगे जाना पाप, हमें तो प्रभु ने आगे पीछे गाड़ी से गाड़ी चलती है। अब ठगी ले गए ना, वही के वही प्रभु रखेंगे। मत बुरे कर्म कर मानव, मत बुरे कर्म कर मानव, वरना पछताएगा भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर्म कर मानव, मत बुरे कर्म कर मानव, वरना पछताएगा भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। मत बुरे कर्म कर मानव, मत बुरे कर्म कर मानव, वरना पछताएगा भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। जब जाएगा तू मानव प्रभु के दरबार में, हर के दरबार में, जब जाएगा तू मानव प्रभु के दरबार में, हर के दरबार में, जब जाएगा तू मानव प्रभु के दरबार में, हर के दरबार में, जब जाएगा तू मानव प्रभु के दरबार में, दरबार में। ना बने हिमाती तेरा कोई संसार में, कोई संसार में, ना बने हिमाती तेरा कोई संसार में, कोई संसार में। मानव अपने कर्मों का, मानव अपने कर्मों का फल खुद ही भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। आप मुझे दान नहीं दे रहे और मैं इस दान का बहुत भूखा रहता हूं। अब मैं एक आखिरी बात बोल दूं,
अब देना या ना देना तुम्हारी मर्जी है। जिसे भगवान ने हाथ सही दिए हो, टूटे ना हो, तो वो हमें अपने हाथों से दान कर दे, और जिनके हाथ अगर टूटे फूटे हैं तो ना करें भैया ऐसे बैठे रहे, लेकिन जिन्हें हाथ सही दिए हैं वो हाथ की ताली से हमें सिर्फ दान कर दो प्यारे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं अंतःकरण से ऐसी दुआ देके जाऊंगा कि तुम्हें अवश्य लाभ होगा और अवश्य मुझे आप याद करोगे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासताई अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। इसी मैनपुरी के धरती पर एक खनक छोड़ जाएंगे, होठों पर हंसी होगी, आंखों में पानी छोड़ जाएंगे, मंजिलें और भी होंगी, करवा और भी होंगे, आप हमें ढूंढते होंगे, हम पता नहीं कहां होंगे। इसी मैनपुरी की धरती पर ऐसी खनक छोड़नी है, मात्र दो दिन के लिए भेजा है परमात्मा ने, तो आप हमें केवल तालियों का दान कर दें, बाकी कुछ नहीं। मत बुरे कर्म कर मानव, मत बुरे कर्म कर मानव, वरना पछताएगा भगवान के भजन से, तोड़ा पछताएगा, तोड़ा पछताएगा। मत बुरे कर्म कर मान, कभी भी किसी को ठगना मत, कभी भी किसी की बेईमानी मत करना, कभी भी किसी का धन मत हड़पना, नहीं तड़प तड़प के मरोगे बाद में। किसी भाई को कमजोर मत समझना, अगर आपका सगा भाई है तो जमीन उसकी मत हड़प लेना ताकत के उस पर, आखिरी समय पर तुम्हारे बेटा और बेटी तो तुम्हें घर के बाहर दरवाजे पे डाल ही देंगे। अगर अंत समय में पानी देने वाला कोई है तो वो तुम्हारा सगा भाई है, और कोई पानी देने वाला नहीं है।
अंत समय पर अगर तुम्हारा सहारा बनेगा तो तुम्हारा सगा भाई बनेगा। इसलिए भाई का धन हड़प के कभी भी अपने को धनवान मत बनाना, क्योंकि भाई तुम्हारा ऐसा है जो हमेशा तुम्हारा सहयोग करेगा। अंत समय पर तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अगर भाई का धन खर्च कर लिया, भाई का धन हड़प लिया, सोचा कि लो बेटा को धनवान बना दें। कई हमने देखे ऐसे ऐसे भाई हैं जो दो फुट जगह घेर लेंगे दूसरे भाई की, दो फुट जगह। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत है, उनके अंदर ताकत नहीं इसलिए। लेकिन जिस समय वो ताकत को तोड़ता है उसके आगे सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। इसलिए कदापि ऐसा मत करना। जिस जितना दिया है उसने भी भरोसा रखो। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या समझ के फंस गए थे नंदा जू के जाल में, क्या लाया था विप्र सुदामा फटे से रूमाल में, क्या खाया था बन जाकर के द्रौपदी के थाल में, जिनके खाए झूठे बेर उनकी क्या औकात थी। मेरे प्यारे भक्तों, ये तो प्रेम की ही बात थी, ये तो प्रेम की ही बात थी। प्रेम में वो ताकत है कि भगवान झूठा खा लेते हैं, भगवान बस में आ जाते हैं, भगवान बच्चे की तरह तुम्हारे साथ काम करते हैं। वो प्रेम में ताकत है। हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, ये जिंदगी कभी दुखों से दूर नहीं होती। हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, ये जिंदगी कभी दुखों से दूर नहीं होती। अपनी अपनी भक्ति को संभाल के रखना भैया, अपनी अपनी भक्ति को संभाल के रखना प्यारे, क्योंकि भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती, भक्ति हर किसी को नसीब नहीं। बचा के रखो, भक्ति को छुपा के रखो। भोजन, भजन, औरत और दौलत, ये चार वस्तु पर्दा में रखा करो। भोजन करो तो घर में अंदर बैठ के, बाहर किसी को ना, नहीं अंदर। भोजन भजन, भजन भी करना है तो अंदर ही अंदर करना, बाहर नहीं दिखाना कि दरवाजे के बाहर कुर्सी डालनी फिर राम 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 माला जप रहे तब तक कोई निकलेगा नहीं। भैया राम 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 उन्नी और खेत में गेहूं ठीक है, हाँ भैया ठीक है पानी लगा दो राम राम राम, ये भजन नहीं कर रही, ये दिखावा हो रहा है। भोजन भजन औरत, ये माताएं जो हमारी पर्दा होनी चाहिए, माताएं पर्दा में माताओं को रहना चाहिए। औरत दौलत, दौलत का मतलब 500 के नोट की गड्डी पकड़ो 50,000 की और बीच बाजार से निकल के जाओ तो लोग क्या कहेंगे, नंगा है देखने को नहीं मिला, पहली बार मिला इसलिए दिखा रहा है। भोजन भजन औरत और दौलत, इनको छुपा के रखोगे उतना ही इनका सम्मान बढ़ेगा। कई माताएं, कई कभी कभी हम बाजार से कहीं निकल के जा रहे हो और माताएं क्या चाट खाई जाती, टिक्की बोलते हैं, अब वो माताएं टिक्की खाती हैं, अब उन्होंने जैसी गाड़ी का हूटर देखा बजते हुए नहीं ओए ओए करी उन्हीं गुरु जी आ गए, अब पल्लू पकड़ेंगे ऐसे करी गुरु जी आ गए, अब वो पल्लू का करेगा तो अब गुरु जी आ गए तो गुरु जी तो निकल गए। ये अपनी इज्जत आप बाजार में जो लुटा रही हैं, अगर आपको खाना है तो उसे पैक कराओ, घर पे आराम से बैठ के खाओ, मना नहीं करते खाने के लिए, लेकिन बाजार में ना खाओ, बाजार में ना खाओ। चाट वाला पूछ रहा है काय बहन जी साड़ी कितने की लाई है, हैं काय बहन जी फलानी वस्तु कितने की लाई है, ये अपनी इज्जत लुटाना है। पहले एक सिलसिला चला करता था मौत दिखरोनी वाला, हैं आज कहीं चलता है, आज तो एक दिन में ही बहू की मौत दिखरोनी हो जाती, पहले 15-15 दिन 20-20 दिन चलता था साहब, मोहल्ले के लोग फिर गांव के लोग फिर नगर के लोग आया करते आते थे, इधर आते थे किसी घर, कितने लोग घर के आया करते थे पहले मौत दिखरो, हाथ उठाओ, हैं आज आज वो सिलसिला खत्म हो गया। पहले लोगों को बहू देखनी पड़ती थी, बहू देख के आए कैसी बहू है, आज हाथ तो बहू पहले ही आ जाती है साहब, लड़का पहले ही पहुंच जाएगा वहीं दरवाजे पे, आज का जरूरत है, हाँ? ये क्या है, पर्दा किसकी होती है, इतना लंबा घूंघट मारो और सास को ससुर को गाली दो तो पर्दा होगी क्या। अगर चेहरा बहू का खुला है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन नजर से अगर बहू डरती है तो नजर की पर्दा होती है, चेहरे को ढकने की पर्दा नहीं होती। पर्दा खुला है तो क्या बात है, चेहरा तो देखने के लिए है,
मौत खुरानी की जरूरत नहीं है। अगर आपका चेहरा बिल्कुल खुला हुआ फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि ससुर के लिए वो बेटी की तरह बहू है, लेकिन बहू का कर्तव्य कहता है कि अपने ससुर की नजरों से डर के रहना चाहिए। ससुर ने डांट दिया तो बहू का कर्तव्य है कि लौट के जवाब ना दे। ये सत्संग सिखाता है। सत्संग ये नहीं सिखाता कि बराबर का चबड़ चबड़ लगी रहो, तो ये सत्संग नहीं सिखाता है साहब। ये माता पिता के वचन है, माँ बाप की लीला है। माँ बाप ने ये सिखाया है तब बहू जवाब दे रही है। ये सब संगत का असर है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही मिल रहा है। हमने एक भजन लिखा था, उसमें एक लाइन लिखी थी कि जो जैसा बीज बोएगा फल वैसा मिलेगा, अगर समय चूक गया तो फिर ना मिलेगा। जो जैसा बीज बोएगा फल वैसा मिलेगा, अगर समय चूक गया तो फिर ना मिलेगा। दुख में ना घबराना तुम, दुख में कभी सुख सभी को बांटना, और याद कर लेना उसे हंस के दिन गुजारना। दुख में ना मुस्कराएगा तो दुख कैसे टलेगा, अगर समय चूक गया तो फिर ना मिलेगा। ये समय आज का नहीं मिलेगा। आज कितनी तारीख? 24 तारीख दिन रविवार 2023। अब तुम्हारे जीवन में दोबारा लौट के आएगी क्या ये समय? आएगा है, रविवार तो बहुत आएंगे, तारीख भी आएंगी, लेकिन 2023 तुम्हारे जीवन में लौट के कभी ये जो समय निकल गया ये लौट के नहीं आएगा प्यारे। इसलिए समय की बहुत वैल्यू रखनी चाहिए, हमारा समय बर्बाद ना चला जाए। हम टाइम निकाल लेते, नहीं नहीं आपके पास बहुत सारे काम है, बहुत व्यस्त है। हमें एक एक घंटे की एक एक मिनट का पता है कि हमें क्या करना है। भैया आज अगर व्यस्त अपने को नहीं रखेंगे तो हम आपके दर्शन कैसे कर पाएंगे है? आप दर्शन देने आए अपनी अपनी कुटिया से तो इसीलिए आए हैं कि हम व्यस्त थे, इसीलिए आप आए हैं। हम फ्री हो जाएंगे तो ये दर्शन नहीं होगा। बड़ा ध्यान से सत्संग श्रवण करना। सत्संग का टाइम थोड़ा जल्दी रख दिया। देखो मेनपुरी की मैया इतनी लेट निकल निकल घर से आती हैं, तो इनको थोड़ा लेट टाइम देना था। मैया देखो, मैया लाइन फिर लाइन पीछे। मैं जब आया तब आधो पांडाल हो गया, और मैया ने देखा, और मैया भी बहुत चालाक है मेनपुरी की, मुझे लगता है मैया भी बहुत चालाक है। मैया पहले छोटे से बच्चे को भेजती, देख क्या लाला महाराज जी आ गए कि ना आ गए। वो जाएगा फोन करेगा, हाँ माता जी महाराज जी गद्दी पे आ गए। चलो तो अब साड़ी पहने चले, है ना। जब मैं आया था पांडाल बहुत जगह थी, पांडाल मैया ने बिल्कुल भर दिया। ये समय लगता है थोड़ा जल्दी वाला रख दिया ना, थोड़ा लेट रखते हैं बीच का। लेकिन ये कहावत कहते हैं संत महापुरुष कि सुबह को बच्चा खो जाए और शाम को वापस आ जाए तो उसे खुआ हुआ नहीं कहा जाता है। भले ही आप एक घंटे लेट आए, लेकिन आए तो सही। कम से कम सत्संग की वाणी जितनी मिल जाए, एक घड़ी आदि की पुनियाद, गोस्वामी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितनी वाणी मिल जाए उतने में कल्याण है, जो समय मिल जाए उतने में कल्याण है। आज आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आज का लेखा जोखा आपका अलग हो रहा है। कल किसी को गाली देंगे, कल का लेखा जोखा अलग होगा। कल सत्संग में नहीं आएंगे तो भी लेखा जोखा अलग होगा। कई तो इसमें ऐसी महान मूर्तियां आ गई होंगी जो मैनपुरी में डेरा डालेंगे। कई लोग ऐसे आ गए होंगे जो मैनपुरी में डेरा डालेंगे साथ। कई चेहरे हमें बाहर के दिखाई दे रहे हैं, दूसरे जिलाओं से आए हैं। रात को रुकने वाले कितने आए, हाथ उठाना यहाँ। और इस साल जहाँ कोई घर मकान तो नहीं रुकोगे, कायम तुम यही रुके रहोगे? हाँ क्यों रुकोगे? गुरुजी से बात हो जाए, इसलिए हम बात भी नहीं करेंगे। अब कितने रुकेंगे? अरे हम मिलेंगे भी नहीं तुमसे, अब कितने रुकेंगे? इसका मतलब प्रेमपराध हम सरकार के लिए अटूट आस्था बना रखी है कि जहां नाथ रखोगे वैसे ही बना रहूंगा, जैसे रखोगे वैसे ही है। पूर्ण भरोसे के साथ ताल जोड़ रखा है,
अब कटिया तार नहीं है कि उतरे हैं, पिलक लगा दिया। अत्युत्तम, आप जहां से भी आए हों इस मैनपुरी की धरती पर, सदैव आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। रुकने वाले मैनपुरी को छोड़ के अन्य जिलाओं से कितने आए हैं। मैनपुरी जिला के नहीं होने चाहिए, अन्य जिला वाले हाथ उठाना, किसी भी जिला से। अरे इधर भाई लोग तो बहुत, दूसरे जिलाओं से जो आए हैं, इधर माताएं, जय हो। बोलिए प्रेम प्रधान सरकार की, बालाजी महाराज के। जगटू वाली शादी नहीं, दिखावा वाली नहीं। आजकल राजनीति में बहुत शादियां हो रही फोटो खींचने वाली। आज की राजनीति तो कुछ कौवी मती, दो केला नेता जी ले जाते, चार नेता लगे हो तो हम फोटो खिंचवाते हैं। लला सही से देखिए, फोटो सही आ जाए। हॉस्पिटल में बेचारो बीमार लेटा हुआ है, वो उसके ऑपरेशन हुआ और नेताजी दो किलो केला पकड़ा रहे, फोटो ले पा रहे और फिर वायरल कर रहे और उस पर लिख रहे फलाने नेताजी गरीबों को केला बांटते हुए। ये गरीबों की हंसी कर रहे हो, एक दिन गरीब केला बांटेगा और तुम केला लेने के लायक नहीं बचोगे। तुम किस भ्रम में पड़े हो, दान कर रहे, फोटो खिंचवा रहे। साल में 6 भंडारे आश्रम में करते हैं, कभी आधे दिन तक फोटो खिंचवा के नहीं डलवाया कि साहब भंडारा हो रहा तो फोटो खिंचेगा कभी भी, क्योंकि वो दान कर रहे हैं साहब, दान कर रहे हैं। कभी भी किसी गरीब की हंसी मत बनाना भैया, हमें यही सिखाता है। हमें कथा क्या सिखाती, संत क्या सिखाते हैं, कभी भी किसी बहन बेटी का नाजायज फायदा ना उठाना और कभी भी किसी गरीब को ना सिखाना, नहीं तो तड़प तड़प के मरोगे, लास्ट में बुरी दशा हो जाएगी। कोई साम दाम दंड भेद काम आने वाला नहीं है। बड़ी सी बड़ी हवेली होंगी वो भी बचा नहीं पाएंगी, बड़ी सी बड़ी तुम्हारे पहरेदार लगे होंगे वो भी अपने आप सो जाएंगे जब तुम्हें उठाने वाला आएगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब यहाँ से जाएगा ना तो बिन मुहूर्त को उठा ली जाएगी। इसलिए गरीब की मदद करना सीखो लेकिन उसकी हंसी करना ना सीखो। कभी भी गरीब से इस लोभ में मदद मत करो कि हम साहब इसकी मदद कर रहे हैं तो ये हमारी गुलामी करेगा। हम कभी लोगों पर पैर नहीं छुपाते हैं, इसीलिए नहीं छुपाते हैं कि खास कर लोगों को ये न लगे कि महाराज जी से कुछ मिलेगा पर नहीं। हम आप ले जाइए, ये तो बेटियों के शादी के बाद भी हमारे यहाँ अगर कोई आता है कि हम गुरु जी अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं हमारा कुछ सहयोग कर दो, लो भंडारे में सिर्फ फंड ले जाओ, आटा ले जाइए, पैसे की आवश्यकता जो हो सो पैसे ले जाओ, अपनी बेटी की शादी रचाओ। भगवान ना करे तुम्हें बेटी देने के बाद गरीबी दे दे, दास के पास है तो ले जाइए, अपनी बेटी का विवाह करिए, आराम से विवाह रचा दीजिए, हमें फिर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो भूखे नहीं मर रहे ना, भूखा नहीं सुलाता वो भगवान, किसी भूखा सुलाता है क्या, किसी को भूखा नहीं सलाता। ये सब ये मन की सोच है हमारी, मन की सोच है। लोग एक बार अगर गद्दी मिल जाती सोचते हैं कि अब इतना कमा लें जो आराम से, फिर पता ना मिले जो गद्दी है ना मिले, इकट्ठो कर ले, इकट्ठा ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। आखिरी समय पर गरीबों की दुआ काम आती है, ये कन्याओं की दुआ और गरीबों की दुआ ही तो दास के काम आ रही है। जो कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक डंका बजा घूम रहा है, मुझे केवल 2 वर्ष और लगेंगे, 2 वर्ष। अभी तो मेरा टेलर चल रहा है, ये 2 वर्ष इसलिए लगेंगे कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष कुछ रोक लगी गई, तो मैं बाहर नहीं जा पाया, आश्रम में सत्संग करता रहा। 2 वर्ष लगेंगी, 2 वर्ष के बाद प्रेमप्रा धाम सरकार की ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो जहां भी लोग होंगे कहेंगे प्रेमप्रा धाम सरकार में जरूर जाना चाहिए। ऐसी फिल्म बना के ऐसा उस आश्रम को सजा के रख दूंगा, ऐसा सुंदर बना दूंगा उस आश्रम को कि वहां जो भी जाएगा उसे एकदम शांति मिलेगी कि वाह यहाँ आने के बाद शांति है। अभी भी जितने लोग जाते हैं, कितने लोग आश्रम जा चुके हैं, जितने लोग आश्रम में जाते हैं वो गेट के अंदर ही घुसते ही मालूम पड़ जाता होगा कि हाँ आश्रम में आने से क्या है, क्या मिलता है। वो गरीब की बेटी, गरीब ब्राह्मण की बेटी बेचारी विवाह की योग्य होने लगी, उन्हें चिंता होने लगी कि हमारे धन नहीं है पास में, कैसे विवाह करेंगे। उस बेटी ने कहा पिताजी
आप चिंता ना करो, क्यों परेशान हो, हमारे आपके जो देश के राजा है ना, वो नित्य प्रतिदिन गरीबों को दान करते हैं कन्याओं की शादी के लिए। आप उनके पास चले जाओ और वो तुम्हें दान में कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। वो गरीब ब्राह्मण कहने लगे, बेटी हम उनके पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? उन्होंने कहीं हमसे प्रश्न कर दिया तो हम क्या उत्तर देंगे? मानो जैसे हमारे अभी इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनके पास लोगों को जाने में, कोई भी मुख्यमंत्री डर लगता है ना, एक विधायक के पास भी जाने में लोग डरते हैं, क्योंकि विधायक जी ने कुछ पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे, जाते नहीं, लोग अपना काम ऐसे निकाल लेंगे, जाते नहीं, तो एक डर होता है। उसी तरह उन गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हम क्या जवाब देंगे कोई प्रश्न कर दिया तो। बेटी ने कहा, पिताजी अगर वो कोई प्रश्न करें तो आप मुझे पूछना कि मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन तुम उनके सामने जाना तो एक बात कहना कि हे राजन आपकी पुण्य की जड़ पाताल हरी हो, इतना कह देना। वो पहुंचे, उन्होंने वही बात कही, दरबार लगा हुआ था, दरबार में पहुंच के कहा, राजन आपकी पुण्य की जड़ पाताल हरी। राजा सभी को एक एक सिक्का दिया करते थे दान में, वो गरीब ब्राह्मण को राजा ने 2 सिक्के दान में दिए। किस बात के लिए? केवल इतना कह दिया, पुण्य की जड़ पाताल हरी, 2 सिक्के दिए। अब अन्य लोग जो थे वो जलने लगे, उन्होंने सोचा कि हम इतने दिन से आ रहे, 1 सिक्का दान में मिल रहा, इनको 2 सिक्के मिलने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, वो प्रतिदिन जाते हैं, कहते राजन आपकी पुण्य की जड़ पाताल हरी, राजा 2 सिक्का दान में दे देते हैं। एक दिन सभी ने कमेटी बनाई और कहा, भैया इसकी छुट्टी कराओ, ये गरीब ब्राह्मण आता नहीं तो हमारा तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई आता हो, अगर तुम उसको सम्मान करने लगो, दूसरा तुम्हारे यहाँ पहले से आ रहा है, उसका सम्मान कम हो ना तो वो जलने लगेगा। ऐसा होता ना, प्रैक्टिकल करके देखना ही, वो जलने लगेगा। तो अन्य लोगों ने गुट बनाया, बड़ा ध्यान से सुनना सभी, गुट बनाया और कहा कि इसकी छुट्टी कराओ। कैसे छुट्टी होगी? कहा चलिए राजा के पास। राजा के पास गए, कहा राजन जो तुम इस गरीब ब्राह्मण से प्रश्न पूछते हो तो एक प्रश्न पूछ लेना, ये तुमसे कहता कि हमारे पुण्य की जड़ पाताल हरी, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि पुण्य की जड़ पाताल हरी है भी या नहीं? राजा ने कहा बात तो सही है, आने दो। जैसे वो आए गरीब ब्राह्मण, उन्होंने कहा राजन आपकी पुण्य जड़ पाताल हरी, तो उन्होंने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि पुण्य जड़ पाताल हरी है? उन्होंने कहा राजन कल बता देंगे, अब उन्हें तो मालूम ही नहीं था कुछ, उन्होंने कहा राजन कल बता देंगे। और वो अपने घर पहुंचे, अपनी बेटी से कहा, बेटी राजा ने प्रश्न किया है और कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा हमारी पुण्य की जड़ पाताल हरी है? ये जैसे ही सुना तो बेटी ने कहा कि जाओ राजा से जाकर कह देना कि राजा ने अपने राज्य में एक 9 लक्खा बाग लगवाया है, उसी बाग में चंदन का पेड़ खड़ा हुआ है, उसी चंदन के पेड़ के पास रात्रि के 12 बजे छुपके बैठ जाएं, वहां पता लग जाएगा कि पुण्य की जड़ पाताल हरी कैसे है। राजा अपने राज्य में पहुंचे, उसके बाद रात्रि में घोड़ा सवार होने के बाद 9 लक्खा बाग में गए, वहां बाग में घोड़े को बांध दिया, यहाँ चंदन का पेड़ खड़ा हुआ था, चंदन के पेड़ के पास छुपके बैठ गए। धर्म के दूतों की राजसभा आई, चंदन के पेड़ के ऊपर आके बैठ गई और लेखा जोखा करने लगी। धर्म के दूत कहने लगे, लिखिए आज इस राज्य में एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की मदद की है, गरीब होने के नाते उस व्यक्ति ने उसकी मदद की है, उसके कुबेर की तरह भंडार भरे रहे। लिखिए आज एक व्यक्ति ने एक सीधे साधे व्यक्ति को सताया है, इसे नरक भोगना पड़े। लिखिए आज एक व्यक्ति ने एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, इसे 7 दिनों तक राक्षस की योनि भोगनी पड़े। और लिखिए आज एक व्यक्ति ने धर्म का काम कराया है, कथा भागवत श्रवण की है, इसके इतना ज्ञान प्राप्त हो किसी घर घर में पूजा होने लगी, लेखा जोखा होने लगा। लिखिए इस राज्य के जो राजा हैं, जो नित्य प्रतिदिन गरीब और ब्राह्मणों को दान करते हैं, उनकी पुण्य की जड़ पाताल हरी हो, पुण्य की जड़ पाताल हरी हो। राजा ने कहा रे यहाँ तो लेखा जोखा हो रहा है। राजा वहां से लौट के आए, उन गरीब ब्राह्मण को राजा 1 रुपये पहले दान में देते थे, फिर 2 देने लगे, आज राजा 3 देने लगे। 1 रुपया और बढ़ा दिया, 1 सिक्का और बढ़ा दिया, आज 3 सिक्का दान में देने लगे। अन्य लोग सोचने लगे कि भैया छुट्टी तो नहीं हुई है, कुछ सिक्का और बढ़ गया, हम तो छुट्टी कराने आए थे, 1 सिक्का और बढ़ गया, ये क्या हुआ?
धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद फिर सबने एक संगठन बनाया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, क्यों ना उसकी छुट्टी कराई जाए। जैसे सभी आए, आने के बाद राजा से कहा, राजन ये तुम्हारे यहाँ बुरा सा ब्राह्मण आता है जो हर प्रश्न का उत्तर देता है, ये नहीं देता है। राजा ने कहा फिर कौन देता है, किसके घर में एक बेटी है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, चरित्रवान है। वो बेटी इतनी तेज है कि अगर उस बेटी के साथ तुम अपना विवाह कर लो राजन, तो तुम्हें मंत्री संतरी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सियार की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भाग किया जाता है। राजा ने कहा ठीक है, आने दो गरीब ब्राह्मण को। वो गरीब ब्राह्मण आए, राजा ने कहा इधर आइए। हाँ राजन बताइए क्या बात है। कहा हमने सुना तुम्हारे घर में एक बेटी है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, चरित्रवान है। कहा राजन, कहा हम अपना विवाह तुम्हारी बेटी के साथ रचाना चाहते हैं। अब वो गरीब ब्राह्मण अगर हाँ करते हैं तो धर्म नष्ट होता है, और मना करते हैं तो राजा मरवा देंगे। उन्होंने कहा राजन कल बता देंगे। कहा ठीक है। वो गरीब ब्राह्मण अपने घर पर गए, अपनी बेटी को बताया। कहा बेटी आज तो राजा ने ऐसा प्रश्न किया जिसका कोई उत्तर नहीं है। कहा क्या किया है। कहा ये कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ विवाह रचाएंगे। उन्होंने कहा तुमने क्या कह दिया। कहा हमने कहा कल बताएंगे। बेटी ने कहा जाओ जाकर कह देना राजा से कि राजा ने अपने राज्य में एक नौलखा जो बाग लगवाया उसी बाग में जाएं, फिर से वो चंदन के पेड़ के पास जाके बैठ जाएं, वहां पता लग जाएगा विवाह कब होगा और होगा या नहीं होगा, कैसे होगा वहां पता लगेगा। गरीब ब्राह्मण ने जाकर राजा को बताया, राजन नौलखा बाग में जाइए, चंदन के पेड़ के पास छुप के बैठ जाइए, वहां पता लग जाएगा विवाह कब होगा और कैसे होगा। राजा रात्रि में घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद नौलखा बाग में पहुंचे, घोड़े को बांध दिया, चंदन के पेड़ के पास छुप के बैठ गए। जब छुप के बैठ गए तो देखा कि धर्म के दूतों की राज सभा आई और चंदन के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ के लेखा जोखा करने लगे। सभी का लेखा जोखा हुआ, जिसने जैसा किया था उसका सबका लेखा जोखा हुआ। अंत में राजा का नंबर आया। वो धर्म के दूत कहने लगे, लिखिए इस राज्य के राजा जो प्रतिदिन गरीब ब्राह्मणों को दान करते हैं, लेकिन अब वो किसी के कहने सुनने में गरीब ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी करना चाह रहे हैं, इनको नरक भोगना पड़ेगा, इनको नरक भोगना पड़ेगा। राजा के पैरों तले धरती खिसक गई कि कल में आया था तब कह रहे थे पुण्य की जड़ पाताल हरी, अब नरक भोगना पड़ेगा। राजा उसी समय गए, गरीब ब्राह्मण के घर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद हाथ जोड़े पैरों को पकड़ लिया, मुझे माफ कर दो। उन्होंने कल बताएंगे, कल बताएंगे आके। राजा ने जैसी माफी मांगी, गरीब ने कहा कल बताएंगे। वो गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के पास गए और कहा बेटी वो राजा हमसे माफी मांग रहे कि माफ कर दो। उन्होंने कहा तुमने क्या कह दिया। कहा हमने कह दिया कल बताएंगे। कहा जाओ राजा से जाकर कह देना उसी नौलखा बाग में जाएं, उसी चंदन के पेड़ के पास जाके छुप जाएं, वहां पता लग जाएगा कि माफ कब होंगे और कैसे होंगे। आज राजा रात्रि में फिर से नौलखा बाग में पहुंचे, चंदन के पेड़ के पास छुप के बैठ गए। धर्म के दूतों की राज सभा आई, फिर से सबका लेखा जोखा होने लगा। जिसने जो भी दिन में किया था वो रात में लिखा जा रहा है। अंत में फिर राजा का नंबर आया। धर्म के दूत कहने लगे, लिखिए इस राज्य के जो राजा थे किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी करना चाह रहे थे, अब वो माफी मांग रहे हैं, उनको जब माफ किया जाएगा, जब वो अपने हाथों से उस बेटी का विवाह करें, अपने हाथों से कन्या दान लें और अपने हाथों से उठा के डोली में बैठा लें, तभी माफ किया जाएगा, अन्यथा माफ नहीं किया जाएगा। राजा वहां से लौट के आए। राजा ने पत्र बनवाए, खत बनवाए, चिट्ठी बनवाने के बाद मुझे देश में बंटवाई अपने में राज्य में, और उसमें लिखवा दिया कि मेरी बेटी का विवाह है। बड़ी धूमधाम से राजा ने विवाह रचाया है, बेटी का कन्या दान लिया और उठा के डोली में बैठा ला। कहा बेटी अब तो माफ कर दो। बेटी ने कहा उसी नौलखा बाग में जाना, वहां पता लग जाएगा माफ हुए अभी भी नहीं हुए। राजा ने संतान थे, राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा उस बाग में पहुंचे, चंदन के पेड़ के पास छुप के बैठ गए। धर्म के दूतों की राज सभा आई, फिर से लेखा जोखा पूरे राज्य का होने लगा, सबका लेखा जोखा हुआ। अंत में फिर धर्म के दूत कहने लगे, लिखिए इस राज्य के जो राजा हैं, जिन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, उस गरीब बेटी का विवाह कर दिया है, इनको 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। राजा वहां से
महल में आए। महल में आने के बाद वो गरीब ब्राह्मण को अपना मुकुट उतार के पहना दिया और कहा, जो भी राज्य बचा है शेष अब इतने दिन तक तुम चलाना और मेरा जो जीवन बचा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ राजा ने कहा, मेरा जो जीवन बचा है हम तो भगवान का स्मरण ध्यान करेंगे। और राजा इस गुणगान को गाते हुए और घर से निकल देते हैं। इससे हमें ये ज्ञान होता है कि भैया हमारा प्रतिदिन लेखा जोखा हो रहा है। यही सिखाया जाता है कि आप पत्तल पे बिल्कुल भी प्रसाद छोड़ नहीं सकते, ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। इतना बड़ा बच्चा क्यों ना प्रसाद पाए, अगर एक बार पा चुका है दोबारा ऐसी गलती कदापि नहीं करेगा। और मैया और भैया हमारे पीछे तक जहाँ तक आप सुन रहे हैं या इस टीवी चैनल के माध्यम से देश में जहाँ तक आप श्रवण कर रहे हैं, सभी से कहना है भैया कि आप अपने घर पर भी भोजन करते हैं, भोजन उतना ही थाली में लेना जितना पा सको, क्योंकि संत का छड़ और अन्न का कण जिसने बर्बाद किया उसका कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं। संत का छड़, संत कहीं सत्संग दे रहे हैं कथा सुना रहे हैं तो वो समय बर्बाद मत करो। और अन्न का कड़ बर्बाद मत करना, भोजन बचा रख दो लेकिन थाली में बचा हुआ भोजन कभी मत फेंकना, क्योंकि उसका पाप चढ़ता हमारे ऊपर। उतना ही भोजन परसवाओ उतना पा सको। रावण को रात्रि में सपना क्यों हुआ था? रावण को रात्रि में सपना इसीलिए हुआ था कि रावण को इस बात के बारे में मालूम पड़ गया था कि मैंने गलत काम कर दिया है। रावण ने थाली में दही छोड़ दिया था। रावण ने थाली में दही छोड़ा था और थाली में दही छोड़ा तो रात्रि में उसे सपना हो गया कि हम गधे पे बैठे हुए हैं और हमें नगर में घुमाया जा रहा है। उसी दिन रावण को मालूम पड़ गया था कि हमारी मृत्यु निश्चित आ गई है। थाली में दही कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े लोग होंगे तो जब दही खाते हैं तो दही पहले खा लेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर अंगुली से बिल्कुल घुमा के बिल्कुल उसे पानी में मिला के पी जाएंगे। जो भक्त, जो प्राणी थाली में दही छोड़ता है उसकी उम्र घटती है। कभी भी थाली में दही को मत छोड़ना, नहीं तो दही खाओ ना तो लो ना। रावण ने दही खाया था जिस समय उसे सपना हुआ था कि हमारी मृत्यु अब निश्चित आ चुकी है। जो लोग दही खाते हैं, जिन्हें दही का ज्ञान उन्हें मालूम है, वो दही खाएंगे और उसके बाद फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर पानी से अंगुली से बिल्कुल मिश करके और उसके बाद पी जाएंगे, लेकिन दही छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, कभी भी शाम को दही मत खाया करो। सुबह का दूध और शाम का दही और मौत ना आई तो कृपा भई। सुबह को दूध नहीं पीना चाहिए, शाम को भोजन करने के बाद दूध पीना चाहिए और सुबह को दही नहीं, वो सुबह को दूध नहीं पीना चाहिए और शाम को दही नहीं खाना चाहिए। सुबह को दही जितना खाना है खा लो, लेकिन शाम को कभी भी अगर रोटी खाने के लिए सब्जी भी नहीं है अचार से खा लेना, लेकिन शाम को दही मत खाना। ये मानो कि बीमारी से बच के तो बहुत बड़ी कृपा हुई। ये तो हम अभी बता चुके हैं।
ये बालाजी उपासना संग्रह है। मैं तो आपको अभी बता चुका हूँ कि बालाजी महाराज की पूजा करने में किसी को दोष, इसमें सूत जी ज्ञान करा रहे हैं। सूत जी ने ज्ञान कराया कि हनुमान जी के व्रत हर कोई कर सकता है। हमने आपसे अभी ये तो थोड़ी देर पहले ये कथा सुनाई है कि आप हनुमान जी का चालीसा सब कोई पढ़ सकता है। ये लिखित प्रमाण है, मैं पढ़ चुका हूँ पहले, ये लिखित प्रमाण है। और जो ये कहे कि नहीं पढ़ सकता उससे मुझे प्रमाण दिलवा देना, मैं 1-1 लाख रुपए की शर्त लगाऊंगा कि कहीं लिखा दिखाओ कि हनुमान जी का पाठ हमारी माताएं बहने नहीं कर सकती, हनुमान जी का दीपक नहीं जला सकती, कहीं लिखा हुआ दिखाइए। अठ से सिद्ध नवनीत के दाता अस्पर दीन जानकी माता। वो जानकी भी एक माँ थी, सीता जी कौन थी, महिला थी, पुरुष थी, है? एक देवी थी, महिला थी। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद तक दिया है, हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता और अस्पर दीन जानकी माता। राम रसाहिन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। जब माँ हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही तो हनुमान जी जब कहेंगे कि माँ तुम पाठ ना करो, जब माँ से हनुमान जी आशीर्वाद ले सकते हैं तो आप और हम हकदार हैं पाठ करने के, उनकी आरती पूजा करने के भी हकदार हैं। और अगर ऐसा कोई मिलता है तो मैं तो टीवी चैनल से उसे चेतावनी देता हूँ, चुनौती देता हूँ कि मुझसे आके बात करिए, भक्तों को क्यों आप भटकाते हैं, भक्तों को क्यों भटका रहे हैं, मुझसे बात करिए ना, मैं बताऊंगा, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि लिखा हुआ है, और आप मुझे प्रमाण दीजिए कि लिखा हुआ है कि नहीं करें, और हम दिखाएंगे कि हाँ लिखा हुआ करें। सभी पूजा देखिए, पूजा करने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। अब एक पंक्ति बोल लीजिए, उसके बाद दरबार का समय होने वाला है और हमारे कई लोग बाहर से आए होंगे, वापस भी जाएंगे। प्रधान सरकार की एक भजन गुनगुनाइए आप सभी। बालाजी महाराज की जय हो। और जो भी हो, परम पूजनीय महाराज जी के फोटो, लॉकेट, माला, चंदन जो भी लेना चाहते हैं वो भैया जी दुकान लगाए हुए हैं, आप लोग ले सकते हैं। फोटो, माला, लॉकेट लेने के बाद महाराज जी से जाप अवश्य करा लें। और जो ही भक्त गौशाला में या कन्याओं की शादी के लिए दान करना चाहते हैं वो भैया जी बैठे हुए हैं, आप दान अवश्य लिखाएं और रसीद प्राप्त कर लें। बोलिए शत्रुदेव भगवान की जय हो। आसरा इस जमी पर मिले ना मिले, कभी खुशियां हैं कम कभी ज्यादा है गम, जहां देखो वहां है भरम ही भरम, जहां देखो वहां है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जमी पर मिले ना मिले, आसरा इस जमी पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग्य है कभी अनुराग्य है, जो बदलते हैं माली वही भाग्य है। कभी बैराग्य है कभी अनुराग्य है, जो बदलते हैं माली वही भाग्य है। कभी बैराग्य है कभी अनुराग्य है, जो बदलते हैं माली वही भाग्य है। कभी बैराग्य है कभी अनुराग है, जो बदलते मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत
मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जमी पर मेरे ना मिले, आसरा इस जमी पर मेरे ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। स्वामी जी लीन है, स्वामी जी की भावना बता रही है कि अति आनंद प्राप्त हो रहा है, अति आनंद उभाने अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण जब ही मिलते हैं, जब अति आनंद भगवान की भक्ति में होता है। मेरी धीमी है चाल और पग है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पग है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, पैरों में छाले पड़े ना पड़े, मेरे पैरों में छाले पड़े ना पड़े, मेरे पैरों में छाले पड़े ना पड़े, ये बात पूछूंगा यहाँ। कितने लोग गोवर्धन के परिक्रमा लगाने गए, टिर्री से कितने लोगों ने लगाई, टिर्री से पैदल कितने लोगों ने लगाई। लेकिन अगर आपसे भी कहा जाए वो 7 कोसी परिक्रमा है 21 किलोमीटर का, और अभी आपसे केवल 3 किलोमीटर के लिए कहा जाए तो पैरों में छाले पड़ना केवल 3 किलोमीटर, अब वो 21 किलोमीटर है, लेकिन वहां एक आस है, एक इशारा हो रहा है कि गोवर्धन महाराज का परिक्रमा लगा रहे, दर्शन होगा। तो भक्त कहता है परिक्रमा लगाते समय कि हे प्रभु, मेरे पैरों में छाले पड़े ना पड़े, मेरे पैरों में छाले पड़े ना पड़े, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जमी पर मिले ना मिले, आसरा इस जमी पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जमी पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जमी पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। काम अपना कर लेना और जल्दी आ सको तो फिर भंडारे का प्रसाद भी यही पाना है, जल्दी आ सको तो भंडारा भी यही पाना। कहो बेटा कहीं आज भोजन ना बना रहे, आज तो वहीं पाएंगे चल के, हैं जल्दी आ सको तो, लेकिन इतने लेट ना आना कि सत्संग छूट जाए। एक दिन का समय और हम आपसे मांगते हैं, हमारी वाणी वचन से आपको कुछ क्षति पहुंची हो, कुछ कष्ट हुआ हो, तो दास व्यास मन से माफी मांगता है कि हो सकता है कुछ कटु वचन निकल गया हो, अपना गुरु या भाई समझ के मुझे माफ करना। गुरुदेव भगवान की कृपा से आयु कम है, हमारी छोटी सी उम्र में जो ज्ञान मिला वो आपके सामने अभी बांटने का कार्य कर रहे हैं। अब देखो कितना आप पर असर पहुंचता है वो प्रभु जाने और आप जाने, हमारा कर्तव्य है, हम वक्तव्य वक्ता हैं, बोल रहे हैं, आप कितना उस पर चलने का प्रयास करेंगे। अगर आप थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, आपका सदैव इस जीवन में प्रणाम करता रहूंगा कि आप भक्ति मार्ग में पकड़ लिया है, भक्ति मार्ग से जुड़ चुके हैं। इसमें 10-5% लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद सत्संग कम आनंद आयो होगो, हाँ
क्योंकि कस्तूर में चुटकुला चुटकुला वाले होंगे, चुटकुला सुनने को ना मिलो। हाँ भैया, मेरे गुरुदेव ने हमें चुटकुला ना सुनायो तो हम कहाँ से तुम्हें सुना रहे हैं। गुरु कृपा पात्र हैं, जो मिलता है गुरुदेव की कृपा से ज्ञान वो बांटते हैं। और हमारी बहनें, हमारी मैया, हमारी भाई, हमारे चाचा ताऊ की योग्य सभी घर जाके अपनी अपनी कुटिया पर पावन पवित्र कुटिया में प्रवेश करेंगे और रात्रि से लेकर प्रातः काल तक एक दो भक्त को तैयार करके सत्संग उन्हें भी लेके आएंगे, ताकि उन पर भी सत्संग का असर पड़े, कुरीतियों से वो भी दूर रहें और वो भी भजन सत्संग में जुड़ सकें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब जो भक्त इधर खड़े हैं वो बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। एक भजन सुना।